24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों। NDMC कन्वेंस सेंटर दिल्ली स्टोरी। फूलों की मुस्कान है नारी, कोमलता का प्रतीक भी नारी। अपनी जिद पर आ जाए जब प्रतिज्ञा का भी प्रतीक है नारी। ये महज एक पंक्ति नहीं बल्कि आज की नारी की वास्तविकता है, क्योंकि आज की नारी अबला नहीं सबला है और सभी नारी शक्ति की इसी ताकत का नजीर पेश कर रही है। फिल्म नारकासुर 5 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता निर्देशक सहित फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। फिल्म का निर्देशक कुलदीप कौशिक ने किया है। फिल्म नारकासुर की कहानी उन 12 महिलाओं की 24 कहानियों को एकत्रित कर दर्शाया गया है जो देश में न्याय पाने के लिए संघर्ष करती हैं। फिल्म ड्रामा सस्पेंस से भरी हुई है। फिल्म की प्रत्येक कहानी में यह संदेश है कि महिलाएं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकती हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली 12 महिलाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में चुना गया है, जिन्होंने फिल्म की कहानी को लेकर पूरी टीम की जमकर सराहना की। साथ ही उपस्थित अन्य लोगों ने भी पूरी स्टार कास्ट को इसके लिए बधाई का पात्र बताया। किरण बेदी पहली महिला IPS मंच से संबोधित करते हुए, सुनील तायल फिल्म के निर्माता, कुलदीप कौशिक निर्देशक, ललित परिमु अभिनेता, मन्नत सिंह अभिनेत्री, म्यूजिक डायरेक्टर, राजिक की रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, ये ह्यूमन एम्पावरमेंट ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नारी बिल्कुल सशक्त है और हमारी फिल्म भी यही संदेश देती है कि नारियां सशक्त है। आप फिल्म देखोगे उसमें देखना कि लड़कियां हर काम कर रही हैं, हर काम लड़कियां कर रही हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कर नहीं पाती। तो जो राइटर ने, जो हमारे डायरेक्टर साहब कुलदीप जी ने कहा है कि ह्यूमन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जितना लड़की को ज़रूरत है एम्पावर होने की उतना लड़के को भी है। दोनों साथ में चलेंगे तो ही ज़िंदगी चलेगी। वो दो पहिए वाली वो जो कहानी है कि दो पहिए इकट्ठे चलेंगे तो ही बस चलेगी, तो ही गाड़ी चलेगी, अदरवाइज तो नहीं चलेगा, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों को साथ में चलना पड़ेगा तो ही ज़िंदगी चलेगी। एक जो आमिर खान की जो मूवी आ रही है चड्ढा वाली जो मूवी आ रही है, तो उसके लास्टिंग चड्ढा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? दोनों कर रहे हैं, देखिए दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। वो आमिर खान है, ये यहाँ नारकासुर है, तो वो आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं क्या बोलूँगा। वो तो ऑलरेडी वो बोल रहे होंगे किसी के बारे में अच्छा या बुरा। एक्चुअली हम इंडस्ट्री वाले टेक्निकली मिले हुए हैं, सब भाई बहनों की तरह रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह भी रहते हैं, सारे भाई बहन नहीं होते। तो बेसिकली किसी को हम छोटा या बड़ा नहीं, हमने पूरा फोकस, हमारी पूरी टीम ने पूरा फोकस इस फिल्म को बनाने के लिए किया था। तो हमारी कोशिश है आप लोग आइए, जिस चीज़ की चर्चा ये सारे लोग कर रहे हैं इतने टाइम से कि हिंदी सिनेमा अच्छा नहीं आ रहा, साउथ में ऐसा हो रहा है, आप ये नारकासुर देखिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आके मेरे से सवाल किया कि यह लगान और चक दे से बड़ा क्लाइमेक्स है, क्योंकि मैन वर्सेस वुमेन कबड्डी है ये, और इसके अंदर कहीं पर भी औरतें कमज़ोर नहीं हैं। इससे ज़्यादा तेज और क्या बोलूँगा मैं, ये औरतें बोली हैं, ये हमारी मन्नत, ये ललित जी आ गए, आ जाओ। बच्चे की वजह पर नहीं होते, और क्यों नहीं रूल बन जाए कि जब हम डिनर करेंगे तो फोन हट जाएंगे, फोन दूर, सब जने आपस में बातचीत करेंगे ताकि हम लोग एक दूसरे का दिल्ली से दिनचर्या कैसे दे। तो साथियों देखिए, मैं आज जो भी हूँ वो अपनी माँ की वजह से, ना मैंने 50 साल की उम्र तक मेरी माँ मेरे साथ थी, माँ मेरी साथ थी, और उसका एक ही मुझे मैसेज था कि तुमने जीवन में देना सीखना है, लेना नहीं सीखना है। और ये सच है कि मैंने नहीं किया, मैंने अपने ससुराल से कुछ नहीं लिया, मैंने अपने पति से कभी नहीं, मैंने कभी नहीं किसी से कुछ मांगा, मैंने हर टाइम मौका ढूंढा मैं किसी को क्या दे सकती हूँ। और ये मैसेज किसका था? मेरी माँ, मेरी बाप पिताजी के थे साथ में, लेकिन ये दोनों का था। और जब 200% हो जाए तो वो व्यक्ति 300% बन जाते हैं, तो फिर अगर वो ऐसी बात कबूल करती है या उस पर चलती है, तो हम हर नारी को 300% बना सकते हैं। माँ भी अपनी 100% दे नारी को, बाप भी दे अपनी बेटी को सक्षम बनाने के लिए 100%, और लड़की भी दे 200% को 300%, तो ये भारत बदल जाए। तो साथी मैं यही कहूँगी आपको, फिल्म आपको बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मैं समय लगा के इस फिल्म को पूरा ध्यान से देखूंगी और अपने विचार आपको भेजूंगी। आपने मेरे लिए इतना इज्जत मान दिया है, समय भी दिया है, अपनी बहनों भाइयों को मिलने का मौका दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
किरदार इसमें गांव की सरपंच का है जो ऑलरेडी सशक्त है और उसको अपनी शक्ति का पता है। वो जब गांव की लड़कियों को देखती है कि वो मर मर के जी रही हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो उन सबको सिखाती है कि जीना सीखो, तुम नारी की शक्ति हो, नारी ही शक्ति है, तुम सब उठो, लड़ो या मरो अपनी ज़िंदगी के लिए, तुम नहीं लड़ोगी तो कोई नहीं लड़ेगा। तो वो सबको इकट्ठा करती है और उनको उनकी शक्ति की पहचान करवाती है। मेरा कैरेक्टर सरपंच का है। सबसे तो नयापन ये है कि लड़कियों को ऑलरेडी सशक्त दिखाया है और दोनों की कबड्डी दिखाई है, लड़कों की और लड़कियों की आपस में कबड्डी दिखाई है और उसमें उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को। और हम सब कहते हैं ना कि लड़कों में ज़्यादा पावर होती है, तो ये फिल्म में कहीं भी हमारी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम नहीं दिखाई गई। मैम, जिस तरह से बहुत जगह पे आज भी देखा जाता है कि फीमेल जो है वो बहुत पीछे है, तो उनको आगे लाने के लिए किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो फीमेल खुद ही सोचे कि मुझे आगे जाना है, क्योंकि मैं ऐसी काफ़ी लड़कियों को या औरतों को जानती हूँ जो कहती ठीक है, लाइफ ऐसी चलती है। अगर मैं अपने गांव में ही बात करूँ, मैं जिस गांव में रहती हूँ, मैं अमृतसर से हूँ, तो वहाँ आज भी इतना चेंज होने के बावजूद भी अगर उनको बोलो कि ये ऐसे काम करो, नहीं 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 हम नहीं करेंगे, पहले लड़कियों को ही तैयार होना पड़ेगा और उनको खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। कोई आपको नहीं बताएगा, आपके सामने अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को देखना पड़ेगा। तो लड़की को खुद ही सशक्त होना पड़ेगा, उसके अंदर है सब कुछ, तो उसको कोई सिखाएगा नहीं। कठिनाई तो बिल्कुल नहीं हुई। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये रोल एक अच्छा खासा विलन है, राइटर कुलदीप जी, डायरेक्टर कुलदीप जी, इन्होंने इसको लिखा ही इस तरह से था कि उसमें मैं कुछ अलग नहीं कर सकता था, वो वैसे ही प्ले करना था। कमीना आदमी है, घाघ है, काइयाँ हैं, लोगों को ठग रहा है, लूट रहा है और पैसे उधार देता है, और उसके बाद जो पैसा नहीं लौटा पाता है तो गुंडे भेज के उनकी पिटाई करके उनकी ज़मीनें जब्त करता है। तो इसको देखकर ये कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा कि हर कहानी में एक रावण होता है। रावण हमारे माइथोलॉजी में भी बुराई का प्रतीक है, जो बुरा है लेकिन वो बुद्धिमान भी है। तो ठीक ऐसे ही ये भैरव सिंह बुद्धिमान भी है, तेज़ है, स्मार्ट है, लेकिन बुराई का सिंबल है। भोले वाले लोगों को ठग लेना, भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खासकर उनकी ज़मीनें हथिया लेना, ये इसका पेशा है, ये इसका धंधा है। इस फिल्म को बनाने में कितना समय लगा? देखिए, पिछले साल फरवरी, मार्च और अप्रैल करीब 45 दिन इसकी शूटिंग हुई। उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, एडिटिंग, म्यूज़िक, साउंड, DI, ये सब चलता रहा। तो अभी एक महीना, डेढ़ महीना पहले ही सब फाइनल हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि एक डेढ़ साल, सवा साल के आसपास, और अगर राइटर की जो जर्नी पहले है उसको भी काउंट करें तो और एक साल गिन सकते हैं। जैसे कुलदीप जी, आपने ये फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी लिखी है, हाँ, लेकिन जो इसका शीर्षक है नारकासुर, क्या ये कभी कभी इसमें बड़ी जद्दोजहद होती है शीर्षक को निकालने में, तो आपने एक शॉट में निकाला इस शीर्षक को या इसमें काफ़ी मंथन हुआ? ये मैंने निकाला इसीलिए था कि लोग मेरे से सवाल करें कि ये नार का सुर क्यों है। तो जद्दोजहद का सुर भी हो सकता था, पर आपने नार का सुर, क्योंकि नारी का सुर मैं बोलता तो आप कभी पूछते नहीं मेरे से, और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे से पूछे ना। और ध्वनि के दृष्टि से भी नार का सुर सुनने में अच्छा लगता है, उसमें फोक साउंड आंचल में कहा जाता है ना, नार मतलब नारी। हाँ हाँ, एक्चुअली अवध में नारक बोला जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली इसके पीछे का एक और मैं बेसिक बता देता हूँ पंडा। मेरे को रखना था महिला प्रधान ही। अगर मैं ये कहता कि नारी की आवाज़ तो बहुत ही क्लीशे सा हो जाता और कोई भी इसको कनेक्ट नहीं करता। आजकल वैसे भी बार बार ये महिला पुरुष का लोग लिए रहते हैं फंडा। हमारे हिसाब से ये महिला पुरुष होना नहीं चाहिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, धर्म वर्म में भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से हम महिला के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, मैं नहीं चाहता था, बहुत क्लीशे होता वो। आप जब ये फिल्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, औरत कहीं से भी कमज़ोर नहीं है,
और यहाँ पर आदमी को भी ना बुरा नहीं दिखाया गया, यहाँ आदमी और औरत की नहीं ह्यूमन फाइट है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करो, हम बार बार भूल जाते हैं उसको।